अब लक्षित अगर आप शुरू करें कल का पैकेज शुरू करिए। क्यों मजाक उड़ाओ किसी की बीमारी का? अरे मैं अमिताभ बच्चन के बात कर रहा हूं। जी, कल का मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रहने वाला है। ये वो दो टीमें हैं जो अपना पहला मैच कुछ हद तक काफी क्लोज आकर हारी थी। मुंबई इंडियंस की वहां पर हम खास बात कर लें तो जरूर मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में फिनिश नहीं कर पाए थे। उसके अलावा हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद टू क्लोज बट नॉट दैट मच गुड रिजल्ट फॉर देम। हेनरिच क्लासन बहुत अच्छी नॉक खेली थी लेकिन हर्षित राणा का एक्सेप्शनल आखिरी ओवर वहां पर आया था। कल मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद मैच होने वाला है हैदराबाद में और रोहित शर्मा को लेकर अभी से ही क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। रोहित शर्मा की बड़े बड़े स्टैचूज हैदराबाद में ऑलरेडी लग चुके हैं बिकॉज रोहित शर्मा का जो सपोर्ट है वो हैदराबाद में फैन बेस काफी ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ से अगर बात कर लें कल की दोनों टीम मतलब हार्दिक पांड्या गालियां पड़ने वाली हो सकता है बिकॉज रोहित शर्मा का बहुत अलग ही सपोर्ट वहां पर है। दोनों टीमों की प्रोबेबल 11 की बात कर रहे हैं तो भाई पिछला मैच दोनों ही टीमें आप कह सकते हैं कि जीत कर आ रही हैं, सॉरी हार कर आ रही हैं, बट जीता हुआ मैच हार कर आ रही हैं। काफी क्लोज ये दोनों टीमें, अपना पिछला मुकाबला जो है वो हारी थी तो शायद ही प्लेइंग 11 में कोई चेंज हो बट फिर भी हमने यहाँ पर एक हल्का सा चेंज कर दिया है। हमने यहाँ पर निहाल वडेरा को जो है वो रखा है मुंबई इंडियंस के इंपैक्ट प्लेयर में बिकॉज बैटिंग पिछली बार थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में इधर उधर हुई थी तो निहाल वडेरा को ऐड किया जा सकता है जैसा उनका पिछला सीजन गया था। वरना काश उसके अलावा लगता नहीं है कि हैदराबाद को अपने 11 में कुछ बदलने की जरूरत है। हैदराबाद नहीं, हैदराबाद तो वैसे अगर देखो तो अपने घर पे ही ज्यादा अच्छा नहीं करती है और हैदराबाद की टीम वैसे इस सीजन मुझे पर्टिकुलरली बैलेंस वाइज बहुत अच्छा नजर आता है वहां पे। इनको बस ये प्रॉब्लम पड़ रहा है कि चार फॉरेन ओवरसीज किस किस को खिलाएंगे, किसको बाहर करेंगे। पिछले मैच में ट्रेविस हेड नहीं खिलाया था, ट्रेविस हेड भी नहीं खिलाया था, मार्को यंसन को खिलाया था लेकिन बहुत महंगे साबित हुए थे। पर मुझे लगता है हैदराबाद के अंदर मार्को यंसन को खिलाना चाहिए, पैट कमिंस भी होने चाहिए और अगर चार ओवरसीज की बात करें तो हेनरिक क्लासेन बनता ही है, माकरम भी बनता है तो शायद यही 11 होगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। इसके अलावा माकरम की जगह पर भी खिला सकते हो। ये मैच मेरे हिसाब से कल एसआरएच जीत रही है। मुझे भी लगा भुवनेश्वर कुमार कल रोहित शर्मा को आउट कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। भुवनेश्वर कुमार वैसे भी रोहित शर्मा के फेवरेट बॉलर हैं, रोहित ने बहुत बैक भी किया हुआ है, उनकी जो स्विंग रहती है शुरू में वो ट्रबल भी कर सकती है रोहित को एंड आई थिंक ही विल मेक अ मार्क टुमारो भुवनेश्वर कुमार। प्लस पैट कमिंस की कप्तानी में कल एसआरएच टफ फाइट देने वाले, कल हार्दिक पांड्या जान लगा के लड़ेंगे बट आई डोंट थिंक इट विल बी इनफ बिकॉज एसआरएच के पास इतना फायर पावर है कि वो ध्वस्त कर सकते हैं। स्पेशली जो बीच में एक क्लासन नाम का प्राणी है ना वो इस टाइम पे जिस लेवल पे खेल रहा है वो अलग ही लेवल है। अच्छा पिछली बार भी राहुल त्रिपाठी मिस कर गया, हर बार स्लो तो नहीं गया, 20 पे 20 वो ऐसा प्लेयर नहीं है। मार्करम मिस कर गया वो भी ऐसा प्लेयर नहीं है। मयंक अग्रवाल का फॉर्म वापस आ गया बहुत बड़ा प्लस है। अब्दुल समद को खेलना छोड़ देना चाहिए, वॉशिंगटन को खिलाना चाहिए। शाहबाज अहमद बहुत बढ़िया खेला था, उसने क्या साथ दिया था क्लासन का और वाकई में शाहबाज अहमद को छोड़ के भी आरसीबी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। आरसीबी क्यों हर बार ये हरकतें करती है अच्छे खासे प्लेयर को, खैर खैर उसको छोड़ दीजिए। मार्को यंसन, पैट कमिंस, भूवी, मयंक मार्कंडे, नटराजन, पिछली बार जीता हुआ मैच हारी है एसआरएच जबकि उन्होंने चार पांच आउट भी कर लिए थे केकेआर के, लेकिन रसल फंस गया और आई थिंक एक कैच ड्रॉप कर दी थी एसआरएच ने, रसल की कैच ड्रॉप हो गई थी, उसके बाद से उसने उसको छोड़ा नहीं एंड उनके पास रिंकू सिंह भी था जिसने रसल का साथ दे दिया मगर रसल ने बहुत बुरी धुनाई कर दी थी। उसके बावजूद एसआरएच ऑलमोस्ट मैच जीत गई, याद करिए आप क्लासन ने नीचे से क्या पारी खेली थी विद शाहबाज। क्लासन तो चलो यू वर एक्सपेक्टिंग, शाहबाज से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वहीं पर अगर आप मुंबई इंडियंस को देखें तो मुंबई इंडियंस ऐसा मैच जो कि जीता हुआ मैच था उसको हार गए तो उससे पता चलता है कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द कैंप। देखिए मुंबई इंडियंस ऑन पेपर बड़ी सॉलिड टीम है, रोहित शर्मा, ईशान किशन आ रहे हैं, टिम डेविड उनके पास है, डिवाल ब्रेविस इंपैक्ट में आते हैं, हार्दिक पांड्या है, बैटिंग भी खत्म नहीं होती, बॉलिंग भी ठीक ठाक है लेकिन जब आप देख रहे हैं कि ऑन फील्ड रोहित ही कप्तानी कर रहे हैं, रोहित ही बॉलर से बातें कर रहे हैं, बुमराह रोहित के पास जा रहे हैं बात करने के लिए, हार्दिक को मुनी लगा रहे हैं, फिर हार्दिक रोहित को गार्डन में घुमा रहे हैं, है ना, वो सारी चीजें भी हो रही है, फिर मैच खत्म होके हार्दिक झपिया पा रहे हैं आके अंबानी साहब के साथ। तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामे चल रहे हैं ना टीम के अंदर, जब ऐसा माहौल खराब होता है टीम का तब आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाता है और वहीं पर एसआरएच इस बार इट इज लुकिंग लाइक अ टीम विच इज गोइंग फॉर रिजल्ट्स। पहले मैच में भी पता नहीं कैसे वो मैच हार गए मगर उनको जीतना चाहिए था, टीम तगड़ी है। कल मुश्किल होगा मुंबई के लिए, मुश्किल होगा और मेरे हिसाब से पता क्यों मुंबई के लिए मुश्किल होगा, पिछला जो मुंबई का मैच था कोलकाता जीटी से उससे पहले भी मैंने आपको एक बात कही थी कि यार मेरे को ना सूर्य कुमार यादव का जो स्पॉट है
उसको फिल इन करने के लिए तीन नाम है, उन तीनों से मुझे विश्वास है ही नहीं। भला आप ओपनर ईशान देख लो, नमनधीर देख लो, तिलक वर्मा देख लो। पिछली बार तिलक की थोड़ी नॉक स्लो थी, नमनधीर शुरुआत जरूर आप कह सकते हो वहां पर कहीं ना कहीं तेज थी, ईशान किशन का खाता नहीं खुला। ये तीन नाम अभी इन तीनों को जोड़ भी लो ना, उतना मुझे कैलिबर नजर नहीं आता कि सूर्या वाला वो गैप फिल इन कर जाए। तो इसीलिए उनका मिडल ऑर्डर बहुत ज्यादा कमजोर सा नजर आता है, यही एक फैक्टर है जहां पर वो हार सकते हैं। पर एक और कुमार यादव इरिप्लेसेबल है भाई, सूर्या कुमार यादव से वाली बात होती है कि यहां आप उसका स्पॉट फिल कर सकते हैं। तिलक वर्मा का माइंडसेट मुझे समझ नहीं आया, उसने आखिरी के ओवर में सिंगल छोड़े वो समझ नहीं आया क्यों किया। तीन पे आया था ना नमनधीर, और उसने बुरा नहीं करा, ठीक खेला था। इनको तिलक वर्मा को भेज दे भैया, वो कर ले तो बेटर हो सकता है। तिलक वर्मा की अभी की फॉर्म कोई खास अच्छी लगी नहीं, पिछले एक साल की फॉर्म बहुत दिक्कत है। पिछले राहुल आप बताइए क्या उस गाय वाला स्पॉट फिल नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा अंडरएस्टिमेट करना मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेकार है, क्योंकि मुंबई इंडियंस को बहुत मार पड़ेगी कल यार। मुंबई इंडियंस एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही है कि हर बार ईशान किशन आपके फ्लॉप होंगे, जिनको टाइम जरूरी नहीं है कि हर मैच में तिलक वर्मा 20 बॉल पे 21 रन बनाएंगे, कि रोहित शर्मा चलेंगे, जरूरी नहीं है कि बुमराह हर बार डोमिनेट ही करेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या के पास बहुत कुछ है कल के मैच में प्रूव करने के लिए। यार करेंगे उसे सपोर्ट मिलेगा नहीं जब तक वो प्रूव नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा कुछ अकेला, टीम क्या करेगी। कायरन पोलार्ड ने भी ये बोला कि इट वाज अ कलेक्टिव कॉल कि पांड्या को साथ पे भेजना है, तो चाहे वो सच हो झूठ हो हमें नहीं पता, लेकिन जब ऊपर भी जो लोग गए चाहे वो ईशान किशन हो चार बॉल में जीरो रन, चाहे वो रोहित शर्मा हो स्टार्ट अच्छी मिलने के बावजूद कैच ड्रॉप होने के बावजूद आउट हो गए, फिनिश नहीं कर पाए। ब्रेविस फिनिश नहीं कर, आप उसको देखो तो आपका आ गया टिम डेविड, क्या किया उसने। लेकिन तिलक वर्मा अगर आप अगर सारी टीम को देखे, हार्दिक तो फिर भी जाके दो बॉलों में 10 रन, 3 बॉलों में 10 रन मार के आ गया, 4 पे 11 व्हाटएवर इट वाज, लेकिन बाकी टीम से तो 160 चेज नहीं हुआ ना। लेकिन अगर आपको टोटालिटी में अगर मैं आपसे सच बात बताऊं तो शायद हार्दिक को टीम का इतना अभी जेल्ड नहीं लग रही। बुमराह बात कर रहे हैं रोहित से, अलग अलग रोहित फील्ड को सेट कर रहे हैं, रोहित हार्दिक को सुना रहे हैं, हार्दिक रोहित की शक्ल देख रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच होने के बावजूद टीम में मैनेजमेंट में भी ये बात हुई होंगी, क्या पता है इस मैच में कुछ और देख रखे। एक चीज बताइए, लेकिन आप हैदराबाद की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, आप मुंबई की बॉलिंग की भी देखिए, बुमराह है, कोट्जी है, लुकवुड बहुत था, अरे यार तो हर मैच में थोड़ी फिट है। मैं एक बात कर रहा हूं, लुकवुड डेथ कम में कितना अच्छा बोल रहा है, कोट्जी का सेकंड मैच है, पीयूष चावला जी आएंगे जिन्होंने विकेट लिया है, क्लासिन आपको पता है स्पिनर कैसे खेलता है, साथ में आपके ये शम्स मुलानी और ये वो तो यंगस्टर है अभी, देखिए इनका इनका जो है ना कल आपको दूध का दूध पानी का पानी और हो जाएगा। और बाय द वे अगर कल भी मुंबई इंडियंस हार गई ऐसा पैनिक मचेगा भाई, ये खड़े नहीं हो पाएंगे। एक और चीज है, आपने सिर्फ मुंबई इंडियंस की बात कर ली, दो खिलाड़ी यहाँ पे, दो कप्तान ऐसे हैं जिन पे दोनों पे प्रेशर होगा। एक कप्तान है पैट कमिंस जो कि वर्ल्ड कप जितवा के आया हुआ है, उसको कप्तान इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जितवाया, डब्ल्यूबीसी जितवाया है और पहला मैच हारे उसकी कप्तानी में, और वही हार्दिक पांड्या उसको कप्तान इसलिए बनाया क्योंकि उसने जीडी को चैंपियन बनाया था। तो दोनों कप्तानों पे प्रेशर है, जो कि अभी राहुल ने बोला कि उसको प्रूव करना है अपने आप को, उसको पैट कमिंस को प्रूव करना है, हार्दिक पांड्या को प्रूव करना है, और दोनों की टीम सॉलिड है भाई। अगर आप वहां पे देखें वहां पे 4 ओवरसीज प्लेयर सॉलिड है, तो इनकी बात करें इनका टॉप 7 सॉलिड है, और ये मुकाबला आप सोच रहे कि मुंबई के लिए बड़ा मुश्किल होगा, नहीं बॉस मुझे लग रहा है क्लोज एनकाउंटर होगा, ये वर्ल्ड सरेंड एनकाउंटर बोलने वाला है, क्या मैच शर्मा जाएगा इजीली हैदराबाद जीत जाएगी, सही चीज है, बट ये आसान नहीं होने वाला। एक चीज अच्छा, पैट कमिंस बाय द वे, पैट कमिंस याद है ना वर्ल्ड कप फाइनल कौन था सामने, रोहित शर्मा ही थे ना, लगाई थी ना कप्तानी, ऐसी कप्तानी करी थी कि पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई थी, नहीं वही बात इंतजार किया उसी तरह, आधे वही प्लेयर जो इंडिया खेले थे। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को टाइम भी लगता है यार, आईपीएल में वापस आने में, हार हार के आते फिर शुरुआत करते हैं। बैट कमिंस के पास इवन लोडिंग फॉर एसआरएस टुमारो, मेरे लिए भी लग रहा है इजी विन भाई, जो बैट कमिंस के पास इजी विन एसआरएच, कल का मैच ब्लॉकबस्टर है और बहुत क्लोज एनकाउंटर होगा, लास्ट ओवर थ्रिलर है कल, और अगर कल मुंबई इंडियंस जीतेगा तो हैदराबाद, लेकिन हार्दिक पांड्या फिनिश भी करेगा गेम, नहीं हो पाएगा उनसे। प्रेडिक्शंस जी लक्षित जी, हैदराबाद प्रेडिक्शन करते हैं, हैदराबाद एसआरएच मुंबई एसआरएच, अबे अब मैंने बोला क्लोज एनकाउंटर होगा पर जीतेगी एसआरएच, बोल तो मुंबई।